This story is brought to you by tapeatale.com. It's okay, Papa. कुछ दिनों की ही तो बात है. I'll manage. जब पापा का फोन आया कि बेटा घर आ जाओ, मैंने साफ मना कर दिया. सोचा कुछ दिन यहीं रह लूंगी तो वक्त बिना बताए बीत जाएगा. मैं अकेली थी, no roommate, no house help, but I loved my solitude. और फिर मुझे तो पूरा यकीन था कि मुंबई शहर की तेजी हर बीमारी को पीछे छोड़ देगी. एंड इन नो टाइम एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल. पर तब किसे पता था कि नॉर्मल की डेफिनेशन ही हमेशा के लिए बदलने वाली है. फिर एक शाम खबर आई कि रात के 12 बजे से 3 हफ्तों के लिए नेशन वाइड लॉकडाउन होने वाला है. 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे मिले थे हम सभी को. खबर सुनते ही सड़क पर शोर मचने लगा, ट्रैफिक जाम था, ग्रोसरी स्टोर्स, प्रोविजन स्टोर्स, हर जगह भीड़ जमा हो चुकी थी. और मैं अपने 1 BHK रेंटेड अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली थी. इट्स ओके पापा, कुछ दिनों की ही तो बात है. आई विल मैनेज. आई couldn't manage. 3 हफ्ते अकेले, my solitude would turn to suffering. समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि मेरे आसपास की सभी दुकानें अगले दिन से बंद होने वाली थी और मेरे घर पर कुछ खास राशन भी नहीं था. और मेरा परिवार मुझसे मीलों दूर गुजरात में रहता था. 4 घंटों में उन तक पहुंच पाना नामुमकिन था. और मैं जानती हूं कि इस सिचुएशन में मैं अकेली नहीं थी. इस देश के लाखों लोग अपनों से दूर थे, अकेले थे, भूखे थे. ना उनके सर पर छत थी, ना कोई रास्ता था और ना ही कोई उम्मीद. जब कुदरत परीक्षा लेती है ना, तो इंसान का बनाया हर आविष्कार कमजोर पड़ जाता है. लेकिन इंसानियत तो कुदरत का आविष्कार है ना. शायद इस वक्त में मुझे भी इंसानियत की ही जरूरत थी, किसी सहारे की तलाश थी. अनाउंसमेंट होने के बाद घर से बार बार फोन आने लगे. सब कोशिश कर रहे थे कि कहीं से कोई रास्ता निकल जाए. और तभी एक फोन किसी और का भी आया, एक दोस्त, वेल विशर, जो पास में ही रहती थी अपने परिवार के साथ. उन्हें मेरी सिचुएशन का अंदाजा था. शायद इसीलिए बिना कोई सवाल किए उन्होंने मुझे अपना सामान बांधकर तैयार रहने के लिए कहा. वक्त बहुत कम था. जहां लॉकडाउन की अनाउंसमेंट सुनकर लोग पैनिक कर रहे थे, तो वहां ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें अपने साथ साथ दूसरों की भी परवाह थी. नेक्स्ट थिंग आई न्यू, आई वॉज पैकिंग. अपना सामान बांधकर कुछ राशन, कुछ कपड़े और मेरी किताबें लेकर मैं उनके घर पहुंच गई. आज इस बात को 1 महीना हो चुका है. हम सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं, घर का सारा काम मिलजुल कर करते हैं. शाम को बैठकर मूवीज देखते हैं, गेम्स खेलते हैं. और कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ कि बाहर की दुनिया अब कितनी बदल चुकी है. जब सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे थे, तो इस परिवार ने मेरे लिए अपने घर का दरवाजा खोला. बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, मुझे अपने घर में पनाह दी. आई वेंट फ्रॉम बींग अलोन आवर्स बिफोर द लॉकडाउन टू फीलिंग एट होम इन दीज स्ट्रेंज टाइम्स. दोस्तों, ऐसे वक्त में हम एक दूसरे से हाथ तो नहीं मिला सकते, मगर किसी जरूरतमंद के लिए मदद का हाथ बढ़ा तो सकते हैं. क्या पता कहीं आपके आसपास भी मेरे जैसा कोई हो जिसे आपकी जरूरत हो. One sec, पापा का कॉल. हाँ पापा, इट्स ओके. कहा था ना, आई विल मैनेज.